हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म की। तो मैं फेडरेशन की फेडरलिज्म के ऊपर और भी वीडियोस बना चुका हूँ, तो उसको आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो अगर हम क्लास टेंथ के नज़रिए से देखें तो फेडरलिज्म जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो आपको मैं डेफिनेशन दिखाने से पहले कुछ दो पिक्चर्स दिखाना चाहूँगा, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा फेडरलिज्म को लेकर। तो अगर हम इन पिक्चर्स को देखें तो ये लेफ्ट में जो आपको पिक्चर दिख रही है वो है जो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीसीज जो हैं पज़ल के वो एक साथ आ रहे हैं, तो इसको कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको इस पिक्चर को ध्यान में रखना है, जिसमें कि पज़ल के पीसीज जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं। राइट में जो आपको इमेज दिख रही है वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं जिनको बांध के रखा गया है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बांध के रखा हुआ गया है। पर जो हमारे लेफ्ट वाली पिक्चर है उसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं जो एक साथ आए हैं और एक पावरफुल गवर्नमेंट को बना रहे हैं। तो यही फर्क होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में या होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में। तो चलिए हम डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पिछली स्लाइड पर जब वापस जाते हैं, तो जो फेडरलिज्म का फर्स्ट टाइप है या फर्स्ट रूट ऑफ फेडरेशन है वो क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो एक साथ आती हैं और एक बड़ी यूनिट, एक बड़े कंट्री को जन्म देती हैं, और इसी को यानी कि हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका जो हमारे पास एग्जांपल है वो है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड। यूएसए वगैरह में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट हमारे गवर्नमेंट्स बनी हुई हैं, और वो क्या होते हैं, एक साथ आके एक बड़ी यूनिट बनाती हैं, एक बड़ी यूनिट को जन्म देती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें हमारे पास क्या होता है, जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी सेम पावर्स होती हैं, हर स्टेट की अपनी पावर्स होती हैं और वो इक्वल होती हैं। पर अगर हम दूसरे रूट की बात करें, सेकेंड रूट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेडरलिज्म, तो वो हमारे पास है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसमें क्या होता है, एक बड़ी कंट्री है, इसमें क्या होता है, एक बड़ी गवर्नमेंट होती है। अब वो जो गवर्नमेंट होती है, जो बड़ी गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो स्टेट्स को बांध के रखती है, यानी कि उसका सभी स्टेट्स पर एक तरह से रूल या रेगुलेशन होता है। हर स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट तो होती है, पर एक बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है जिनका उन पर थोड़ा बहुत राज होता है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसकी पावर ज़्यादा होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उनकी पावर थोड़ी सी कम होती है। तो हमारे पास यही फ़र्क होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप आगे आने वाले वीडियो को ना मिस करें।